आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक नई कॉमिक को जिसका नाम है हाउ टू गेट लकी। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्लास खत्म हो जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर घर को जा रहा था। एक लड़का उसकी दोस्त को बोल रहा था, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ टियान मैंग्वेन। ये सुनकर लिंग फेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और टियान को बोलता है, क्वेन क्वेन समय हो गया है, घर चलो। टियान हमारा मेन कैरेक्टर को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है लिंग फेंग। फिर लिंग फेंग टियान का हाथ पकड़ लेता है और वहां से जाने लग जाता है और बोलता है उसे इग्नोर करो और चलो मेरे साथ। जैंग गुस्से से बोलता है, तुमने उसे अभी क्या बोला। लिंगफेंग बोलता है, उसका जो खास दोस्त होता है वही उसे क्वाइन क्वाइन बोलता है, तुम्हें इससे प्रॉब्लम। जैंग गुस्से में आकर बोलता है बकवास बंद करो और फिर उसे पंच मारने लग जाता है। लेकिन लिनफेंग उसे पंच पहले ही मार देता है और बोलता है मैं शांत होते होते थक गया हूँ। फिर लिनफेंग और टियान वहाँ से चले जाते हैं। टियान बोलती है फेंग तुम ठीक हो ना। लिनफेंग बोलता है तुम्हें क्यों लगा मैं ठीक नहीं हूँ। टियान बोलता है जैंग को खासकर गुंडा भी बोला जाता है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो तुमसे बदला न ले। लिनफेंग बोलता है कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और वो उसके सर में हाथ देकर बोलता है ये मेरा पहली बार है तुम्हारे लिए मैंने फाइट लड़ा है और मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, चिंता मत करो तुम घर जाओ। और वो शर्माते हुए बोलती है ठीक है फिर मैं घर जाती हूँ। फिर टियान वहाँ से चली जाती है अपने घर। टियान के जाने के बाद लिंगफिंग को डर के मारे बहुत ही पसीना आ जाता है और अपने मन में बोलता है जैंग के पास बहुत ही गुंडे दोस्त हैं, अगर उसे कोई मदद करने मिल गया तो मैं बहुत ही मार खाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो मुझे मार कर ऐसा छोड़ेगा नहीं। फिर उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है और वो पीछे मुड़कर बोलता है कौन है वहाँ पर, हाँ कोई भी नहीं है यहाँ पर। फिर अचानक से एक आदमी बोलता है तुम्हारे ऊपर। लिनफेंग बोलता है तुम कौन हो। वो बोलता है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा नाम है यूलियो और मैं मैच मेकिंग गॉड हूँ। लिंगफेंग ये सुनकर पत्थर ही बन जाता है। फिर कुछ देर के बाद लिंगफेंग बोलता है तुम वही यूलियो हो ना, पुराने चाइनीज इतिहास वाले, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। यूलियो बोलता है कोई गंभीर बात नहीं है, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम कल मरने वाले हो उनसे। लिंगफेंग बोलता है फिर कोई ऐसा जादू है जिससे मैं मरने से बच जाऊंगा लिटिल गॉड। मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास कोई स्पेशल ट्रिक होगा जिससे मैं बच जाऊँ। यूलियो हंसते हुए बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है जो तुम अभी इस्तेमाल कर सकोगे। फिर उसे एक कार्ड दे देता है। लिंगफेंग वो कार्ड देकर बोलता है वन नाइट स्टैंड, ये क्या बकवास है। यूलियो बोलता है मैं तुम्हें ये देखकर कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है क्या तुम्हारा फिर से पुनः जन्म हुआ है और तुम पिछले 8 जन्मों से वर्जिन ही मर रहे हो, अगर तुम फिर से कल मर गए तो तुम फिर से वर्जिन ही मरोगे। लिनफेंग बोलता है ये मेरा 9वां जन्म है और मैं फिर से मरने वाला हूँ, वो भी फिर से वर्जिन। यूलियो बोलता है ये कार्ड जो मैंने तुम्हें दिया ये कोई नकली नहीं है, तुम कल मरने वाले हो, तुम्हारे पास आज का ही दिन है, तुम इस नंबर पर फोन करो और तुम 9 जन्मों के वर्जिन को तोड़ दो। लिंगफेंग हंसते हुए बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये 9 जन्मों के वर्जिन को लेकर, मुझे कोई परवाह नहीं है अगर तुम असली हो या नकली। मैं 8 जन्मों से यहाँ तक आया हूँ तो मैं कैसे ये अपने वर्जिन को तोड़ सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, हालांकि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। यूलियो अपने मन में बोलता है मैं पूरी दुनिया के शादी को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन ये लड़का 8 बार ऐसे ही वर्जित मर गया, अगर ये ऐसे ही रिकॉर्ड बनाता रहा तो मेरा पोजीशन बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएगा, कैसे भी करके ये मर नहीं सकता, कल ये फिर से मर नहीं सकता वर्जित, मुझे इसकी मदद करनी होगी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। फिर वो अपना एक बुक निकालते हुए देता है और बोलता है आज तुम्हारा लक्की डे है, मेरे पास तुम्हारे लिए लव की किताब है। फिर वो वहां से गायब हो जाता है। लिंगफेंग अपने मन में बोलता है वो भगवान मुझे जाने से पहले कुछ बोला था, तुम्हें पीस ब्लॉसम पॉइंट मिलेगा जब तुम टास्क कंप्लीट करोगे, अगर तुम फेल होकर मर गए तो तुम फिर से जन्म नहीं ले पाओगे। फिर वो अपने फोन में देखता है और बोलता है मुझे यह बहुत ही अजीब सा लग रहा है, और फिर उसे याद आता है क्या वो अजीब सा गोल्डन रोशनी की वजह से ऐसा हो रहा है, चलो इसे खोल कर देखते हैं, जैसा वो बताया था कि ये चीज भगवान का खजाना है। फिर वो ऐप में देखते हैं बहुत सारे अलग सा स्किल दिख रहा है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे लिए एक टास्क है और उस टास्क में लिखा होता है टास्क लेवल ग्रेड बी, मैंगविन कौन सी कलर की अंडरवियर पहनी है वो ध्यान से देखो, टास्क कंप्लीट होने के बाद तुम्हें 5 20 ब्लॉसम पॉइंट मिलेंगे। ये देखकर उसके हाथों से फोन गिर जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो अपने मन में बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसे ट्राई करके देखते हैं ये असल में सही है क्या गलत। फिर वो टियान के विंडो के इधर जाके नॉक करने लग जाता है। टियान सोचती है इतने रात को कौन आ गया
और वो जैसे ही पर्दा खोल कर देखती है, वहाँ पर लिनफेंग होता है और बोलता है, हाय, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? टियान बोलती है, ठीक है, आ जाओ, आओ आड़ी से कुर्सी में आकर बैठ जाओ। लिनफेंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ वहाँ पर, तुम अभी होमवर्क कर रही हो ना, कर लो पहले, मैं तुम्हारे बेड में बैठ जाता हूँ। टियान बोलती है, जब हम लोग हाई स्कूल में थे तुम बहुत ही कम मेरे घर में आए हो, कुछ हुआ है क्या? लिनफेंग बोलता है, नहीं, कोई इतना सीरियस बात नहीं है, मैं सो नहीं पा रहा था इसलिए मैं किसी को देख रहा था कि कोई मुझसे बात करे। तुम अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो पहले, मैं कुछ देर यहीं पर बैठा हूँ। टियान बोलती है, ठीक है। फिर वो अपना होमवर्क कंप्लीट करने लग जाती है। दूसरी तरफ लिनफेंग एक जॉम्बी की तरह उठता है और टियान के पीछे खड़े हो जाता है और पूरा मेहनत करने लग जाता है टियान के बुक्स देखने के लिए कि वो भगवान असली है कि नहीं। फिर कुछ देर की मेहनत करने के बाद वो उसका कलर देख पाता है। फिर वो जाते हुए बोलता है, किन किन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। टियान बोलती है, मेरा हो ही गया, तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें नींद नहीं आ रहा। लिंगफेंग बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे नींद आ रहा है। फिर वो अपने रूम में चला जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे सही में 5-20 ब्लॉसम पॉइंट मिल गया, अगर मैं फेल हो गया तो मैं सही में मर जाऊंगा, अगर उसने जो बोला था वो सही होगा तो मैं सही में कल मारा जाऊंगा क्या? और वो गुस्से से बोलता है, ये किताब सही में ताकतवर है जैसा उसने कहा था, फिर इसका मतलब है कि मैं 5-20 ब्लॉसम पॉइंट कहीं पर यूज़ कर सकता हूँ। और वो फ़ोन में देख कर बोलता है, ये तो फिजिकल डिफेंस टेक्निक है, इसका सिर्फ 3 पॉइंट है, मैं इसे ले सकता हूँ। फिर उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, मेरे माइंड में कुछ नॉलेज है लेकिन मुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, क्या मैं मास्टर हो गया हूँ इस टेक्निक में? अगर ये आयरन ग्लोथ जैसा बोला गया वैसा निकलेगा तो मैं कल से कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहूंगा, मैं रुक नहीं सक रहा हूँ कल के लिए, कल से हमें समर यूनिफॉर्म पहनना होगा और लड़कियों का समर यूनिफॉर्म तो अलग ही है। फिर यही सब सोचते सोचते वो सो जाता है। फिर अगला दिन जैसे ही क्लास खत्म होता है, वहाँ पर सैंग आ जाता है और बोलता है अपने दोस्त को, क्लास खत्म हो गया, अब वो कमीना निकलने ही वाला, कभी भी प्लीज उसको अच्छा सबक सिखाना, ये जो राइट की तरफ है ना वही है। फिर वो आदमी लिंगफेंग की ओर जाता है, हे कमीने, आगे वाले। लिंगफेंग सोचता है कौन है और वो जैसे ही पीछे मुड़ कर देखता है, वो आदमी उसके मुंह में एक जोर से पंच मारता है और वो हंसते हुए बोलता है, मेरे से पंच खाने के बाद भी तुम खड़े हो, बहुत ही अच्छे है, तुम मेरे साथ काम करो। लिंगफेंग उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करता। फिर वो आदमी गुस्से से बोलता है, ज़्यादा भाव मत खाओ, और उसे एक जोर से पेट में पंच मार देता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। फिर लिंगफेंग उसे एक जोर से पंच मारता है, ये देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। सैंग बोलता है, नामुमकिन। दूसरी तरफ लिंगफेंग उस आदमी को बोलता है, देखो कौन खड़ा है लास्ट में। वो आदमी सामने वाला पत्थर उठा लेता है और बोलता है, तुम मेरे मुक्के से बच गए हो लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। और फिर वो पत्थर उसकी ओर फेंक देता है और बोलता है, बाहर में जाओ तुम। लिंगफेंग वो पत्थर पकड़ लेता है, ये देखकर वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? लिंगफेंग बोलता है, तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी। वो आदमी माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था आप इतने ताकतवर हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे चल के आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारिए। फिर वो पत्थर फेंक देता है। लिंगफेंग बोलता है, भूलना मत जो तुमने कहा था, मुझे आगे चल के तुम्हारी मदद लगेगी। वो आदमी बोलता है, हाँ बॉस, मैं कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने बोला है आपको। फिर टियान और ली फेंग चले जाते हैं घर के लिए। फिर सेंग उसे आकर बोलता है, ब्रो तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वो आदमी बोलता है, बाहर में जाओ, तुम मुझे मार ही दिए थे, तुम्हें पता है, तुम्हें ये भी पता है कि वो कितना ताकतवर है। और वहाँ पर खड़ी ऑफिसर ये सब देख लेती है। ऑफिसर लिंगफेंग की फाइट देख लेती है और वो अपने मन में बोलती है, आयरन का कपड़ा है या कुंफू है? फिर वो अपने डायरी में लिखती है, लिंगफेंग जवान लड़का और कुंफू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यह। फिर अगले दिन टियाने और लिंगफेंग स्कूल चले जाते हैं। टियाने उससे पूछती है, मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, क्या तुम्हें चोट लगी है क्या? लिंगफेंग बोलता है, नहीं, क्यों? टियाने बोलती है, लेकिन वो पत्थर तुम्हारे सर में जाकर टूट गया था। लिंगफेंग बोलता है, मैं सही में ठीक हूँ, शायद वो पत्थर मुझे लगने से पहले ही टूट गया होगा। फिर अचानक से उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो अपने मन में बोलता है, ये किस तरह का फीलिंग है, जबकि कोई चेतावनी नहीं मिली है लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि टास्क शुरू हो गया है। टास्क में लिखा रहता है, बेइज्जत को लव लेटर लिखो, टास्क का लेबल है ए और तुम्हें इनाम मिलेगा 2 पॉइंट। लिंगफेंग अपने मन में सोचने लग जाता है, बेइज्जत क्या वही है? बेइज्जत वहाँ से जा रही होती है, वहाँ के सारे लड़के उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है, देखो बेचिन यहाँ पर आ गई है। दूसरा लड़का बोलता है,
ये कितनी सुंदर है। और लिंग फैंग भी उसे देखने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद बेइजिन उसे देखती है तो लिंग फैंग शॉक्ड हो जाता है। लिंग फैंग के पीछे जो लड़के खड़े थे वो लोग सोचते हैं कि चैन उसे देख रही है। वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है वो इस तरफ देख रही है। इचिन अपने मन में सोचती है ये लिंग फैंग है, इस गधे को गुम्फू आता है, क्या बकवास बात है। यान लिंग फैंग को देखती है और सोचती है इसे क्या हो गया। और फिर वो बोलती है क्लास शुरू होने वाला है। लिंग फैंग बोलता है ओ मैं भूल ही गया, ठीक है तुम क्लास में जाओ मैं आ रहा हूँ। क्वान क्लास में चली जाती है और फिर वो सोचने लगती है वो इस तरह का हरकत क्यों कर रहा था। फिर तभी लिंग फैंग वहाँ पर आ जाता है और क्वान को बोलता है तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। तभी क्वाइन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है फेंग नहीं, तुम्हारा क्या हुआ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। लिंग फेंग बोलता है मैं बेसिन के लिए लव लेटर लिखा हूँ, प्लीज क्या तुम उसे दे सकती हो। क्वैन उस लेटर को लेकर बोलती है क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ। लिंगफेंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, इससे मुझे बहुत ही मदद मिलेगा। फिर क्यों ना उसे पढ़ती है। उसमें लिखा रहता है तुम सुंदर से भरी हुई हो और बहुत ही समझदार हो और तुम्हारा ऑरा बहुत ही अच्छा है, तुम हमारी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, मुझे मौका दो एक बार। लिंगफेंग क्वैन ये पढ़ने के बाद बहुत ही हंसने लग जाती है। लिंगफेंग बोलता है ये अजीब है क्या। क्वैन बोलती है उतना भी बुरा नहीं है, मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद उसे दे दूंगी। लिनफेंग बोलता है ठीक है। क्लास ख़त्म होने के बाद क्वान बेसिन के पास जाती है और बोलती है क्या तुम बेसिन हो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो उसे लेटर दे देती है। दूसरी तरफ लिनफेंग क्वान का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर उसी समय क्वान वहाँ से दौड़ते हुए आती है और बोलती है लिनफेंग। लिनफेंग बोलता है इतनी जल्दी किस बात की है, मैं भागा नहीं जा रहा हूँ, तुम उसे दे दी हो ना। क्वान बोलती है हाँ मैं दे दी हूँ, वो अभी पढ़ रही होगी, मिशन कंप्लीट हो गया और मुझे 2 पॉइंट आराम से मिल गया। फिर वो क्वान से बोलता है ठीक है चलो घर चलते हैं। दूसरी तरफ बेसिन उसका लेटर पढ़ रही होती है और बोलती है तुम इतना कॉन्फिडेंट हो या पूरी तरह बेवकूफ़ हो। फिर वो लेटर फेंक देती है बाहर की तरफ। सैंग वो लेटर उठा लेता है। फिर किसी को फ़ोन करके बोलता है लिंगफेंग एक लड़का है जो लव लेटर लिखा बेसिन को। बेसिन कभी भी लव लेटर नहीं पढ़ती है लेकिन इस बार वो पढ़कर मुस्कुराई, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ठीक है मैं वो लेटर तुम्हें दे दूंगा। फिर वो हंसने लग जाता है और बोलता है लिन फेंग अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है। फिर अगले दिन वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और बोलता है हेलो इचिन। वहाँ के सारे लड़के उसे देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसमें से एक लड़का बोलता है इचिन हमारी गॉड है, ये फिर से यहाँ पर आ गया, इसका क्या प्रॉब्लम है। वो लड़का इचिन को बोलता है मेरे पास 2 टिकट है वो भी फ्रेंड्स मूवी का, चलो जाकर देखते हैं साथ में। इचिन बोलती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं चलती हूँ। वो लड़का उसे रोक देता है। इचिन बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। वो लड़का बोलता है तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो, मैं अमीर हूँ, हैंडसम हूँ और इंटेलिजेंट भी हूँ। बेसन लिंगफेंग को आते हुए देख लेती है और फिर उस लड़के को बोलती है मुझे तुम्हारी उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और बोलती है लिंगफेंग मैंने तुम्हारा लव लेटर पढ़ा, मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगी मूवी के लिए, मुझसे मिलो स्कूल के पार्क में, याद रखना अपने आप को साफ करके आना, ऐसा मत आ जाना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। लिंगफेंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें मिलता हूँ पार्क में। वो लड़का लिंगफेंग को बोलता है लिंगफेंग वो तुम्हें एक शील्ड की तरह यूज़ कर रही है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम वहाँ पर मिलने मत जाओ। लिंगफेंग बोलता है लेकिन यह तो कैंपस ब्यूटी ने बुलाई है, ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। वो लड़का बोलता है तुम वहाँ जाकर मज़ा नहीं कर पाओगे। लिंगफेंग बोलता है तुम्हें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साफ होकर जाऊंगा। वो लड़का बोलता है ठीक है गुड लक तुमको। लिंगफेंग बोलता है तुम्हें भी। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही क्वैन उसकी ओर से गुजरती है वो वहीं रुक जाता है और वो बोलता है ये लड़की कौन थी। फिर वो चिल्लाकर बोलता है जैंग। जैंग बाहर आकर बोलता है हाँ उसका नाम है तियान क्वान और जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ वो लिनफेंग की बचपन की दोस्त है और वो लोग का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, वे लोग साथ में स्कूल जाना आना करते हैं। मैं तियान क्वान का पीछा कर रहा था, उसी के चक्कर में मुझे लिनफेंग ने मारा था। मास्टर जून आप ऐसा मत करिएगा। वो लड़का बोलता है मैंने सिर्फ बेसिन पर ही फोकस किया था कब से और चूक गया था मैं इन लड़कियों को देखना। लिनफेंग मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझसे भिड़ने का नतीजा। अगले दिन लिंगफेंग तैयार हो जाता है अपने डेट के लिए और बोलता है इतना भी बुरा नहीं लग रहा हूँ साफ होने के बाद मैं। फिर वो बेसिन का इंतज़ार करने लग जाता है स्कूल के पार्क में। फिर कुछ देर के बाद लिंगफेंग अपने मन में सोचता है वो नहीं आएगी, मैं क्या सोच रहा था, मिस तुमने मेरा दिल तोड़ा। फिर वो यही सब सोचते सोचते वहाँ से जाने लग जाता है। फिर उसी समय गाड़ी वहाँ पर आता है
और फिर हॉर्न बजाने लग जाता है। फिर लिंक पीछे मुड़ कर देखता है और बोलता है, यहाँ क्या चल रहा है? फिर गाड़ी के अंदर से बोलती है, लिन फेंग गाड़ी के अंदर आओ। लिन बोलता है, क्या तुम बेइज्जती हो? वो लड़की बोलती है, वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आई हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। जैसे उसका काम ख़त्म हो जाएगा वो वहाँ पर आ जाएगी। फिर वो गुस्से से बोलती है, अगर तुम जल्दी ही अंदर नहीं आए तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वो जल्दी से अंदर बैठ जाता है। फिर वो उसके सुंदर पाँव और बड़े बूब्स को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, और जैसे उसका फेस को देखता है और वो घबराने लग जाता है, डर के मारे अपने मन में बोलता है, कितनी डरावनी ये है। वो लड़की सोचती है, इसे क्या हुआ? फिर उससे बोलती है, तुम कहाँ से कुंफू सीख रहे हो? लिन बोलता है, कैसा कुंफू? वो लड़की बोलती है, मैंने तुम्हारा फाइट देखा था, और मैं भी एक मार्शल आर्ट परिवार से हूँ, और मैं बोल सकती हूँ कि तुम कुंफू प्रैक्टिस करते हो। लिन बोलता है, ये मेरा अपना डिसीजन है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर वो अपने मन में बोलता है, क्या मैं अपने आप को मुसीबत में डाल दिया हूँ इसे करके? वो लड़की बोलती है, तुम्हारा परिवार तो माउंटेन में प्रैक्टिस करता है ना, तुम किस कारण से माउंटेन के नीचे आए हो? फिर लिन अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही बड़ा गलत फहमी हो रहा है, मेरा कोई भी परिवार को कुंफू नहीं आता है, लेकिन मैं इसे सच नहीं बोल पाऊंगा। इसके अलावा ये कुंफू नहीं है, ये आयरन का कपड़ा है। फिर उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। लिंक बोलता है, क्या एक और नया टास्क? और टास्क में लिखा होता है, बेस जूई के चेस में किस करना, टास्क लेबल है सी, और इसे इनाम मिलेगा 10 पॉइंट। वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये मुझसे बहुत ही बड़ा मजाक कर रहा है, उसके चेस में किस करना, अगर मैंने ये किया तो मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि ये कोई एक्सीडेंट था। मैं बहुत ही बेकार हूँ इन घमंडी लड़कियों से डील करने के लिए, अगर मैंने कुछ भी किया तो मैं सही में मारा जाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद वो लड़की बोलती है, हम लोग आ गए हैं। लिन बोलता है, आ गया है तो मैं चलता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। अगर मैं और भी ज़्यादा देर गाड़ी में रहता तो मुझे लगता मेरा ज़िंदगी कम हो रहा है। लिन को लगा उसका कोई पीछा कर रहा है, और फिर वो पीछे मुड़ कर देखता है, वहाँ पर वही लड़की होती है, और वो घबरा कर बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो लड़की बोलती है, कैसे मैं तुम्हें और इचिन को अकेला छोड़ दूंगी, ये मेरा प्लान है उसे बाहर निकालने का, कि तुमसे मिलाऊंगी। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें डेट करेगी? सबसे पहले टिकट खरीदो, तीन खरीदना। फिर वो टिकट खरीदने लग जाता है और बोलता है, तीन टिकट ना, कोई पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, आपका $159 हुआ। लिन रोते हुए बोलता है, मुझे उसका टिकट क्यों खरीदना है जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ। फिर वो टिकट खरीद लेता है और चिल्ला कर बोलता है, मेरा हो गया, तीन टिकट ले लिया। और वो जैसे ही वहाँ पर जाता है, वहाँ पर बेसिन आ जाती है। लिन बेसिन को बोलता है, बेसिन तुम आ गई यहाँ पर? और वो अपने बहन से बोलती है, ये अभी भी गंदा दिख रहा है। उसकी बहन बोलती है, सैना सी को। फिर बेसिन लिन को बोलती है, मूवी अभी शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। लिन बोलता है, ठीक है। लिन बोलता है, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इचिन बोलती है, हाँ सही में बहुत ही अजीब लग रही है। फिर लिन उन दोनों को बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग कहीं पर भी बैठ सकते हैं, अब टिकट के साथ नहीं बैठना होगा, अब एक अच्छा सीट देख लो और बैठ जाओ। बे बोलती है, हमारा मेन पर्पस मूवी देखना नहीं था। लिन बोलता है, मैंने ये टिकट अपना अलाउंस से खरीदा है। बे बोलती है, मैं आशा करती कि तुम इचिन के बॉडीगार्ड बनोगे। लिन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, बे बोलती है, मुझे काम के लिए बाहर जाना है कुछ दिन, तो मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, जबकि तुम लिन फैमिली से हो तो मैं उसे लगता है कि तुम ताकतवर हो गया, तो मैं आशा करती कि तुम सुरक्षा करोगे इसकी जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। इचिन बोलती है, बेशक हम तुम्हें पैसे देंगे। लिन बोलता है, अच्छा तुम लोग क्या मुसीबत में हो? क्या तुम लोग कोई प्रोफेशनल बॉडीगार्ड को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं? फिर वो अपने मन में सोचता है, मैं सही में लिन फैमिली से नहीं हूँ, मैं कैसे इसका बॉडीगार्ड बन सकता हूँ? इसीन गुस्से से बोलती है, सिर्फ तुम हाँ या ना बोलो, तुम्हें इतना भाव देने की ज़रूरत नहीं है। लिन बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तुम लोग मुझसे छुपा रहे थे ये सब। लिन अपने मन में बोलता है, अच्छा वो लोग मुझे हायर नहीं करेंगे अब? फिर उसी समय बेचिल्लाकर बोलती है, एसिन भागो। एक आदमी बोलता है, अभी भाग रहे हो? अभी तो मैंने तुमसे बात ही नहीं किया है, रुको थोड़ा सा, ऐसे मत जाओ, मैं आखिरकार बे फैमिली की लेडीज लोगों से मिला हूँ, तुम दोनों सुंदर लड़कियाँ अपने रेपुटेशन के लिए जी रही हो, मैं सही में तुम दोनों को मारना नहीं चाहता हूँ। लिन अपने मन में बोलता है, ये कौन है, ये इसे क्यों मारना चाह रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, ये क्या कोई मूवी का शूटिंग चल रहा है क्या? वो आदमी बोलता है, कैसा रहेगा तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। बे और इसिन बोलती है, कैसा बकवास बात कर रहे हो तुम? वो आदमी बोलता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम दोनों को बना के रहूंगा, रुको थोड़ा, पहले दर्द को सह लो, फिर तुम कुछ बोल नहीं पाओगी। फिर वो आदमी अपने आदमियों को बोलता है,
उन दोनों लड़कियों को मारना मत, लेकिन वो लड़का जो खड़ा है उसे मार देना। दूसरी तरफ बेन लिन को बोलती है, लिन इसिन को बचाना। लिन बोलता है, रुको मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेन चिल्लाकर बोलती है, प्लीज़ इन लोगों से लड़ने के बाद मेरे पास कोई ताकत नहीं बचेगा इसिन को बचाने के लिए। फिर वो अपने बुक से एक बड़ा सा तलवार निकालती है, फिर वो अपने तलवार से सभी को मारने लग जाती है। दूसरी तरफ लिन ये सब देखकर बहुत ही घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है, ये क्या चल रहा है, ये लोग सही में एक दूसरे को मार रहे हैं, ये लोग जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, ये लोग तो कोई कानून ही नहीं मान रहे। और फिर वो इसिन को बोलती है, वही इसिन बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर इसिन चिल्लाते हुए बोलती है, हे तुम्हारे आगे देखो, आगे में एक आदमी खड़ा रहता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा रॉड होता है, उससे वो एक जोर से मारता है और वो जमीन में जाकर टकरा जाता है। ये देखकर बे और इसिन शॉक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ लिन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत ही दर्द हो रहा है, मुझे तो रोना आ रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पर, ये दुख रहा है, ये सही में बहुत ही दुख रहा है, मैं उसे रोकने क्यों गया। इसिन शॉक होकर बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बे बोलती है लिन को, तुम्हें कुंफू के अलावा कुछ नहीं आता है लिन, तुम सही में कुछ। उसी में वो आदमी आ जाता है और बोलता पीछे से, तुम सही में डिस्ट्रैक्ट हो गई हो। वो आदमी उस पर हमला कर देता है लेकिन बे बच जाती है। फिर बे अपने तलवार से सभी को मार देती है। बे बोलती है, इचिन भागो यहाँ से जल्दी से। लिन अपने मन में बोलता है, ये सही में बहुत ही घायल है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बे मर जाएगी, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। एक समय में एक ही टास्क आता है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा दूसरा नहीं आ सकता, अगर ये मर जाएगी तो ये बुक कोई काम का नहीं होगा। फिर वो आदमी बे को बोलता है, तुमने मेरे सारे आदमी को मार दिए हो, मैं तुम सभी को मारूंगा, कोई आखिरी ख्वाहिश। लिन बोलता है, रुको थोड़ा सा, मुझे 5 मिनट का वक्त दो, मैं इन दोनों को तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मना लूंगा, अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे जाने दोगे। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, अच्छे लड़के हो तुम, जाओ इसे मनाओ। लिन बोलता है, मुझे कुछ वक्त दो इन दोनों से बात करने के लिए। वो आदमी बोलता है, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। फिर लिन उन दोनों को कमरे में ले जाता है और बोलता है, मैं बहुत ही डर गया था, अच्छा मेरी बातें ध्यान से सुनो। इसिन बोलती है, हम लोग तुम्हारी बातों को कभी नहीं मानेंगे। बे बोलती है, मैं तुम्हें समय दूंगी भागने के लिए, तुम सही में भाग जाना यहाँ से। इसिन चिल्लाकर बोलती है, बहन। लिन बोलता है, रुको, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया अभी तक, किसी को किसी के लिए मरना नहीं होगा। बे बोलती है, तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम्हारे पास आइडिया कैसे हो सकता है, जल्दी से बताओ मुझे तुम्हारा क्या आइडिया। लिन बोलता है, मेरे पास आइडिया है लेकिन उसमें एक कंडीशन है। इसिन बोलती है, क्या कंडीशन। लिन बोलता है, अच्छा। बे, मुझे तुम्हारा बुक्स में किस करने दो प्लीज। ये सुनकर दोनों ही गुस्से में आ जाते हैं। बे गुस्से से उसकी और तलवार तानते हुए बोलती है, मुझे सही में तुम जैसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम इसिन को बचा सकोगे, मैं तुम्हारे बॉडी के नीचे वाले पार्ट को काट दूंगी, तुम्हारे दिमाग में हर समय सेक्स ही रहता है। लिन बोलता है, शांत हो जाओ, मेरी बातें तो सुनो पहले, तुम बहुत ही होपलेस हो, तुम मेरे ऊपर कैसे बेट लगा सकती हो, तुम शायद मरोगी या उसका खिलौना बनकर रहोगी, हमारे पास समय बहुत ही कम है, मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय दूंगा। भी अपने मन में सोचती है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है। लिन काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, 3रा काउंट हो जाता है और अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये लोग तो मरना चाह रहे हैं। उसी समय बे बोलती है, ठीक है तुमने कहा कि तुम किस करोगे सिर्फ। इसिन गुस्से से बोलती है, बे को तुम्हें सही में लगता है ये कमीना हमारी मदद कर पाएगा। बे बोलती है, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं हर छोटे से चांस को खो नहीं सकती हूँ, मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए। लिन बोलता है, हे इतना रोने धोने का समय नहीं है। बे बोलती है, मुझे पता है हमारे पास उतना समय नहीं है, आ जाओ फिर। लिन अपने आप को तैयार कर लेता है और बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो कांपते कांपते उसकी मुब्स के इधर हाथ ले जाता है, जैसे वो उसे सुने जाता है बे बोलते हैं, नहीं उसे सुना मत, सिर्फ किस करो। लिन बोलता है, मैं भूल ही गया था कि मैंने क्या बोला हूँ। फिर वो बे से बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था। बे बोलती है, तुम आ रहे हो कि नहीं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। लिन बोलता है, ठीक है मैं किस करने जा रहा हूँ। बे शर्मा कर बोलती है, ठीक है जल्दी से करो। फिर बे उसके बुब्स को किस कर लेता है। फिर लिन बे को बोलता है, चिंता मत करो, मैंने जो प्रॉमिस किया है कि तुम लोगों को बचाऊंगा। फिर वो अपने फ़ोन में देखता है कि टास्क कंप्लीट हो गया और उसे 10 पॉइंट मिल चुका है, उसके पास अभी टोटल 12 बेस ब्लॉसम पॉइंट है। फिर वो अपने फ़ोन में चेक करने लगता है, ये पॉइंट का मैं क्या करूँ। फिर उसे एक टेक्निक मिलता है जिसके लिए 10 पॉइंट लगता है और वो पावर होता है आयरन सैंड हाथ। ये हाई लेवल का स्किल है, इससे तुम ईटा पत्थर और आयरन तक को भी तोड़ सकते हो। फिर लिन जाते हुए बोलता है, समय आ गया लेडीज, मैं जा रहा हूँ। फिर लिन उन दोनों को कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है। तो वो आदमी सोचता है
कि तुम मनाने गया था उन दोनों को। फिर वो आदमी लिंक को बोलता है, इसका मतलब क्या है, तुम अकेले बाहर आ रहे हो। मैं उन दोनों को मनाने में फेल हो गया, लेकिन मैं उन दोनों को बचाऊंगा। फिर वो आदमी लिंक का गला पकड़ के उठा लेता है और बोलता है, तुमने मेरा समय बर्बाद किया। वो आदमी सोचता है, इसका गला क्यों नहीं दब रहा है, इसका गला इतना सख्त क्यों है। फिर लिन अपना हाथ उसकी और धीरे धीरे बढ़ाता है। ये तुम इतने देखकर वो धीरे आदमी हमले से बोलता मुझे है, तुम चोट मुझसे पहुंचा मजाक कर रहे पाओगे हो क्या। क्या? लिन बोलता है, तो ये बात है, मरो तब। फिर वो अपना आयरन सैंड हाथों से उस पर हमला कर देता है और बोलता है, यह आयरन सैंड हाथ है। फिर वो आदमी वहीं पर मर जाता है। लिन उन दोनों को बुलाता है और बोलता है, सब सेटल हो गया, बाहर आ जाओ। फिर उसकी और जाकर एक जोर से थप्पड़ मारकर बोलती है, शेमलेस कहीं क्या, तुम लड़ सकते थे। तो वो किस किस बात का था, मुझे छेड़ने के। लिन बोलता है, मैं तुम्हें कभी छेड़ना नहीं चाहता था, ये मेरा अपना डिसीजन है। बे बोलती है, बहुत हो गया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, इससे तुम्हें शक्ति मिलती है क्या। इसीन बोलती है, मुझे ये सब नहीं सुनना है, तुम जाओ यहाँ से। लिन बोलता है, ठीक है, और वो वहाँ से जाने लग जाता है। बे बोलती है, तुम अभी भी बहुत काम के हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार जिंदा मार डालूंगी। लिन अपने मन में बोलता है, मैं ही वो वजह हूँ तुम अभी जिंदा हो। फिर अगला दिन लिन और क्वान स्कूल के लिए निकल जाते हैं। क्वान बोलती है, लिन कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या। लिन बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब। क्वान बोलती है, तुम्हारा हेयर स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गया। लिन बोलता है, ओ ये क्या, मैं अजीब दिख रहा हूँ। क्वान बोलती है, ये तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। लिन हंसते हुए बोलता है, सही कहा, मुझे भी यही लग रहा था। फिर उसी समय उसको नोटिफिकेशन आता है, एक नया टास्क आया है। उस टास्क में होता है कि बे का ब्रा का स्टाइल कैसा है उसे आइडेंटिफाई करो। टास्क का लेवल है क्लास बी और इसे इनाम मिलेगा 5 पॉइंट। लिन इधर उधर देखते हुए अपने मन में बोलता है, फिर से ये टास्क जब भी शुरू होता है जब वो टारगेट सामने हो। फिर वो देखता है कि वहाँ पर बे खड़ी होती है और उसे गुस्से से घूर रही थी। कोहन लिन को बोलती है, क्या हो गया लिन। लिन बोलता है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम कांप रहे हो, लग रहा है तुम्हें ठंड लग रही है। लिन बोलता है, सही में कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं। कोहन बोलती है, ठीक है। फिर वो लोग क्लासरूम में चले जाते हैं। फिर लिन अपने मन में सोचता है, लास्ट टाइम तो मैंने उन्हें बचाया था, इसलिए उन्होंने ये करने दिया था, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी किया तो मारा जाऊंगा। उसी समय लिन का मैसेज आता है और वो देखता है कि ये तो कोई अनदून मैसेज आया है। उस मैसेज में लिखा होता है, स्कूल के बाद सिक्योरिटी ऑफिस में आ जाना। लिन अपने मन में बोलता है, यह सही में वही होगी, लेकिन उसे मेरा नंबर कैसे पता चला। ये फिर किसी मदद के लिए बुला रही है या फिर बेइज्जती की सुरक्षा के लिए, क्या मैं जाऊँ कि नहीं, क्योंकि वो मुझे कांटेक्ट की है तो यही सही टाइम है वो टास्क को कंप्लीट करना। मैं ऐसे मौके को जाने नहीं दे सकता हूँ, हाँ मैं जाऊँगा। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद लिन क्वान को बोलता है, क्वान मुझे सिक्योरिटी ऑफिस जाना है, तुम अकेले चल जाओगे राज। क्वान बोलती है, सिक्योरिटी ऑफिस, लेकिन क्यों। लिन बोलता है, मुझे लगता है कि शायद मैं जो फाइट किया था उसी की वजह से शायद वो लोग वार्निंग देंगे। कौन बोलती है, अगर तुम्हें ज़्यादा भी समय लगेगा मैं तुम्हारा वेट करूँगी। लिन बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है तो तुम स्कूल वाले ट्री के सामने खड़े रहना। फिर वो सिक्योरिटी ऑफिस में चला जाता है और कौन वहीं पर खड़ी होती है। और जैसे लिन ऑफिस में जाता है बे उसका इंतज़ार कर रही होती है। फिर बे उसे देखकर बोलती है, अंदर आ जाओ, पहले दरवाज़ा बंद करते हुए आना। लिन अपने मन में सोच रहा होगा, ये चल क्या रहा है। उसी समय बे बोलती है, बैठो पहले, तुम्हें क्या चाय चाहिए। लिन बोलता है, तुम मुझे क्यों खोज रही थी, मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही अजीब लगता है, तुम इतने अच्छे बर्ताव कर रही हो, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे मारने वाली हो क्या। बे बोलती है, नहीं मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ इस इनके बॉडीगार्ड के रूप में। लिन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है, सही है, मैंने सही गेस किया था, ये बहुत ही अच्छा चांस है। लिन बोलता है, लेकिन एक ही कंडीशन में। ये सुनकर बे बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है, कंडीशन, तुम मेरा फ़ायदा फिर से उठाना चाह रहे हो क्या। लिन बोलता है, हाँ तुम्हारा सही मतलब है, मुझे तुम अपना ब्रा दिखाओ। बे बोलती है, तुम बहुत ही निडर होते जा रहे हो। लिन बोलता है, मुझे ये सबसे कोई मतलब नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो ये एक डील है सिर्फ। बे बोलती है, मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा कुछ मांगने वाले हो, और ऐसा होता तो मैं सही में मना कर देती हूँ, तुम बहुत ही लकी हो आज। अच्छा तुम मेरे संतरे को पहले ही किस कर चुके हो, तो ये रिक्वेस्ट उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये सुनकर लिन बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, सही में मज़ा आ गया। बे बोलती है, पहले पर्दे को लगा दो। वो बोलता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, जल्दी करो, क्वान मेरा इंतज़ार कर रही है। बे बोलती है,
तुम बहुत ही नाटक कर रहे हो। फिर वो अपना कपड़ा खोलकर अपना ब्रा दिखाने लग जाती है और बोलती है, कैसा है, क्या तुम सेटिस्फाई हो गए? लिन बोलता है, मुझे अच्छे से देखने दो। फिर वे अपना कपड़ा निकाल देती है और वो अपना ब्रा उसे दिखाने लग जाती है। फिर लिन घूरने के बाद उसे बोलता है, हाँ हो गया, मैंने अच्छी तरह से देख लिया। वे बोलती है, अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम मेरे प्रॉमिस को पूरा करना। अगर ईशन को कभी भी चोट लगेगी तो तुम मर जाओगे और तुम्हारा फैमिली इसके लिए जिम्मेदार होगा। कोई सवाल? लिन बोलता है, नहीं। बे चिल्लाकर बोलती है, तो यहाँ से निकल जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है और अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही अजीब था, अच्छा होगा कि मैं उससे बहुत ही दूर रहूँ, नहीं तो और भी अजीब सा टास्क आया तो मुझे वो मार ही डालेगी। इससे अच्छा तो मेरी क्वाइन है, वो बहुत ही सुंदर है और अच्छी है और वो मेरी बात को समझेगी भी। वो अभी भी पेड़ के इधर खड़ी होगी, मुझे जल्दी जाना होगा। और लिन वहाँ पर जाकर बोलता है, क्वान। और जैसे ही वो देखता है क्वान उस पेड़ की इधर खड़ी नहीं है, लिन गुस्से से बोलता है, वो यहाँ पर नहीं है, क्वान मेरा इंतज़ार नहीं किए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो यहाँ वहाँ देखता है, वहाँ पर एक रिबन बड़ा होता है। फिर वो उठाकर बोलता है, अच्छा ये रिबन तो क्वान का है जो आज उसने पहनी थी, लेकिन ये ज़मीन में क्यों पड़ा हुआ है? शायद उसके साथ कुछ हुआ है। अच्छा मुझे लग रहा है कि पुलिस को कॉल करना पड़ेगा पहले। उसी समय एक आदमी बोलता है, इससे कोई मदद नहीं मिलेगा। लिन बोलता है, कौन है? बाहर आओ। फिर वो आदमी बोलता है, शांत हो जाओ पहले, ये मैं हूँ ली एडम। लिन गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब इसका, क्या हो गया, कौन कहाँ पर है? ली एडम बोलता है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड किडनैप हो गया है। लिन बोलता है, बताओ मुझे कौन है वो। ली एडम बोलता है, शांत हो जाओ, मुझे जाने दो, मैं बहुत ही घायल हूँ। ली एडम बोलता है, वो वैंग जून है और उसका पापा सीनियर पुलिस डायरेक्टर है। लिंग बोलता है, ओ वो कमीना, हाँ मैं समझ गया, इसलिए पुलिस को कॉल नहीं करना होगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो वैंग जून है और तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? जवाब दो मेरा सवाल का। ली हेडोंग बोलता है, तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, बॉस तुम्हें पता है उस गैंग के बारे में? लिंग बोलता है, हाँ मैंने सुना है उसके बारे में, तो उससे क्या मतलब मुझे? लिंग हेडोंग बोलता है, जो वुल्फ गैंग का बॉस था और जून का फादर बहुत ही क्लोज है। जून वैंग उस गैंग को प्रोटेक्ट करते हैं और वो गैंग वैंग के लिए कुछ भी कर लेता है और वो दोनों ये डील किए हुए हैं। ली हेडोंग बोलता है, मैं उस गैंग से बहुत ही सालों से भाग रहा हूँ, वैंग जून मुझे काम दिया था और वो काम है आपकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करना, और जैसे ही मैंने मना कर दिया तो वो लोग मुझे मारने लग गए। मैं उन लोगों का पीछा किया कि मैं आपको ये सब के बारे में बता सकूँ। बे बोलता है, तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ पर हैं? ली हेडोंग बोलता है, हाँ मैं आपको अच्छा रास्ता दिखा सकता हूँ और ये मेरा गाड़ी तैयार है आपके लिए। बॉस अंदर आइए। लिंग बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास प्लान है मेरे से बदला लेने के लिए। ली हेडोंग बोलता है, मैं तुमसे क्या छिपाऊंगा, फैंग जून मुझे मारा है तो मैं इसका बदला उसे तबाह करके लूंगा। लिंग अपने मन में बोलता है, यह आदमी उतना भी सीधा नहीं लग रहा है, मेरा स्पीड और ताकत उतना भी ज़्यादा नहीं है, क्या मैं उसे बचा पाऊंगा? और वो फ़ोन में देखने लगता है कि वो उस पॉइंट से कुछ खरीद पाएगा। फिर वो देखता है टाइगर बुल प्लाज्मा 60 पॉइंट और ड्रैगन एलिफेंट प्लाज्मा 150 पॉइंट और बोलता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। और फिर देखता है कि उसमें भी ऑप्शन है और उसमें क्लिक करता है तो उसे पूरा डिटेल मिल जाता है कि वो उसमें से कुछ भी एक खरीद सकता है। भे ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ज़्यादा ताकत के लिए मुझे ज़्यादा ही पॉइंट खर्च करना होगा, अगर मेरे पास कम पॉइंट है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 5 पॉइंट मिला था बे के संतरे को देखने के लिए, इससे मैं फर्स्ट लेवल खरीद सकता हूँ। ली एडोंग बोलता है, बॉस कुछ अजीब हुआ है क्या, आप बहुत देर से उस फोन को घूरे जा रहे हो। लिंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। ली एडोंग बोलता है, हाँ कुछ नहीं हुआ है और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। और वो गाड़ी के बाहर आकर देखता है कि वो हेवन रिवर होटल के इधर है। लिंग बोलता है, ये हमारा मंजिल है। ली एडोंग बोलता है, मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ, ये सही में इधर ही है, मैं यहाँ पर काम किया करता था। लिन बोलता है, तो तुम्हें पता ही होगा कि वैंग जून कहाँ पर है। ली हेडोंग हंसते हुए बोलता है, उसका रूम नंबर 306 है और वो रूम उसके लिए ही बना हुआ है।